उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग हादसे के बाद बचाव अभियान में मदद के लिए पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट एनोल डिक्स ने कहा कि हम उन लोगों को बाहर निकालने जा रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, हमारी पूरी टीम यहाँ है और हम एक हल ढूंढेंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे। केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता में मृत्यु दंड के प्रावधान को बरकरार रखेगी। इसे हटाने की मांग के बीच संसदीय समिति ने यह सिफारिश की थी कि मृत्यु दंड के प्रावधान पर सरकार फैसला करे। संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पास होने की उम्मीद है। दिल्ली में सोमवार को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में रही। सुबह 8 बजे राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 10 बजे आनंद विहार में 364, आईटीओ में 322, आरकीपुरम में 348 और द्वारका में 376 दर्ज किया गया। इम्फाल एयरपोर्ट पर रविवार 19 नवंबर को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने की खबर से 3 घंटे तक अफरा तफरी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यह जानकारी दी है। यही नहीं, इम्फाल आने वाली 2 फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट कर दी गई जबकि 3 की लैंडिंग में देरी हुई। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया है। रोहित शर्मा एंड कंपनी खिताबी मुकाबले में पूरी तरह से बिखर गई। लगातार 10 मैच जीतने के बाद फाइनल का टिकट कटाने वाली टीम इंडिया को इस विश्व कप में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान भारत को हर डिपार्टमेंट में दोयम साबित किया। हार के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आंखों से आंसू छलक पड़े। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने साथी सिराज को सांत्वना देते हुए नजर आए।